बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सिंगर मिका सिंह ने पिछले हफ्ते कराची में परफॉर्म किया। इसके बाद मिका सिंह को ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज ने बैन कर दिया। हालांकि मिका सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी भी मांगी। अब खबरें हैं कि सलमान खान को भी बैन किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से मिका सिंह को बैन किया गया है तब से इंडस्ट्री के बहुत से लोग मिका के साथ काम करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान अगले हफ्ते मिका के साथ एक प्रोग्राम करने वाले हैं। ये प्रोग्राम अमेरिका के अलग अलग शहरों में होगा। सलमान के इस टूर को अप क्लोज एंड पर्सनल विद सलमान खान नाम दिया गया है। सोहेल खान की इवेंट कंपनी ने जॉर्डी पटेल की कंपनी के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। मिका सिंह 28 अगस्त को हॉस्टन में होने वाले प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक खबर के मुताबिक जॉर्डी पटेल से जब प्रोग्राम में मिका के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम केवल भावेश पटेल के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है। यूएस के कुछ लोकल प्रमोटर ने मिका को इनवाइट किया है। सलमान मिका के साथ में कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ तक कि वो उनके साथ स्टेज भी शेयर नहीं करेंगे। हालांकि FWICE के मेंबर अशोक दुबे ने कहा, अगर इंडस्ट्री से कोई मिका सिंह के साथ काम करता है तो उसे भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सभी टेक्नीशियन जिसमें अभिनेता, निर्देशक और यहाँ तक कि स्पॉट बॉय भी शामिल है, मिका के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई इस प्रतिबंध के दौरान मिका के साथ काम करता है, चाहे सलमान हो या कोई और, तो उस पर भी बैन लगाया जाएगा, चाहे वो अमेरिका का ऑर्गेनाइजर हो या किसी अन्य देश का। हम किसी को भी कार्यक्रम आयोजित करने से नहीं रोक सकते। हमारी पॉलिसी सिंपल है, हम उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे जिस पर प्रतिबंध बैन लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।